फर्दर डेवलप, अदरवाइज देयर इज नो गुंजाइश, कुछ नहीं है। सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि ये डिस्कशन लीडिंग सेशन था और क्वेश्चन आंसर सेशन था, हम लोगों को क्या फील हुआ? ये क्वेश्चन आंसर सेशन था, ज्यादातर यही फील हुआ, ये पार्ट थोड़ा डोमिनेट हो गया। तो हमारी मकसद क्या थी, ये करना था ना ये करना था, ये करना था ना, सर ने राइटली पॉइंट आउट किया कि डिस्कशन लीडिंग सेशन में जब हम बैठते हैं तो हमारे काम है टू स्टिमुलेट द पार्टिसिपेंट्स, है ना, उनके अंदर में जो खजाना है, जो ज्ञान है, जो आइडिया है, जो व्यूज है, दैट शुड कम आउट, नंबर वन। नंबर टू, ये एक लेक्चर सेशन का एक ग्राफ है। लेक्चर सेशन में क्या होती है, कोई एक्सपर्ट होते हैं, सपोज ये ट्रेनर हैं और ये पार्टिसिपेंट्स हैं, जैसे आप लोग बैठे हैं, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इस तरह से चलती है, यूजुअली इट इज यूनि डायरेक्शनल, क्योंकि ये एक्सपर्ट होते हैं। अगर किसी ने कोई प्रश्न पूछ लिया तो प्रश्न का उत्तर टीचर ने दिया, देन इट बिकम्स बाई डायरेक्शनल, ये तो होती है लेक्चर सेशन में जो आप यूजुअली करते हैं। बट इन ए डिस्कशन लीडिंग सेशन, सपोज दिस इज द ट्रेनर और फैसिलिटेटर और सामने में चार बंदे बैठे हैं, तो यूजुअली क्या होना चाहिए, आइडियल स्थिति क्या होनी चाहिए, इट शुड कनेक्ट एवरीबॉडी, ये इसको भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये इसको भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, दिस कनेक्शन शुड बी लिस्ट, ये है फैसिलिटेटर, इनके साथ में कनेक्टिविटी जितनी कम हो उतना अच्छा है, बिकॉज ही इज द पर्सन टू स्टिमुलेट द अदर पीपल, और ये लोग आपस में जितने कम्युनिकेशन करेंगे, कम्युनिकेशन को, डिस्कशन को हम उतना ही इफेक्टिव मानते हैं। इसको हम लोग कहते हैं मल्टी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। फर्क समझ में आ गया? अभी क्या हुआ, ये क्वेश्चन पूछते गए और आप लोग एक एक करके उत्तर देते गए, इसमें क्या हुआ, अंदर की जो आइडिया है वो स्वतः जो बाहर आना चाहिए वो नहीं हो पाया, वो इंडिविजुअली उसको पूछते गए। जैसे एक प्रश्न पूछा, पांडे जी आप बताइए, अंजना आप बताइए, सिंह जी आप बताइए, तो अदर पीपल आर क्वाइट एस्केप, अरे उनको पूछा गया मेरे को क्या है, अपने को विड्रॉ कर लेते हैं, इनडायरेक्टली दैट फीलिंग कम्स। इसे और अच्छा और क्या है, पहली बार जब क्वेश्चन इम्पोज किया, फर्स्ट क्वेश्चन, हम ये कहते हैं कि सबसे पहले जो क्वेश्चन इम्पोज करेंगे दैट शुड बी आइडियली की क्वेश्चन, की क्वेश्चन मालूम है, हाई ऑर्डर क्वेश्चन। हाई ऑर्डर क्यों बोलते हैं उसको, ताकि उसको इम्पोज करते ही लोगों के अंदर में स्टिमुलेशन हो, इग्निशन हो, एक स्पार्क जैसे लगे, है ना, चाहत हो कि हम कुछ बोले, अंदर की आइडिया अपने आप बाहर निकल गया है। इन्होंने जब फर्स्ट क्वेश्चन इम्पोज किया, क्या क्वेश्चन था इनका, गांव का विस्थापन, स्थापना क्यों, गांव का विस्थापन, वन ग्रामों की स्थापना क्यों, वन ग्रामों के वनों में स्थापना क्यों हो रही है, क्यों हुई, क्यों हुई। अच्छा, ये क्या लग रहा है आपका, हाई ऑर्डर या लो ऑर्डर, गांव का विस्थापन क्यों हुई, हाई ऑर्डर है या लो ऑर्डर है, चलिए मान लेते हैं कि हाई ऑर्डर। इम्पोज करने के बाद तुरंत उन्होंने एक व्यक्ति को पॉइंट आउट किया कि आप इसके बारे में बताइए, क्वेश्चन खत्म और इमीडिएटली एक व्यक्ति को पॉइंट आउट किया। जैसे ही एक व्यक्ति को पॉइंट आउट किया, बाकी जो छह बंदे हैं वो क्या करेंगे, एस्केप हो गया ना, इनडायरेक्टली, आप ऐसे नहीं चाहे लेकिन ऑटोमेटिकली हो जाता है, वो ह्यूमन टेंडेंसी है। तो इसलिए एक बहुत अच्छा फार्मूला है हमारे गाइडेंस के लिए, उसको बोलते हैं 5P, डिस्कशन लीडिंग के लिए 5P प्रिंसिपल अडॉप्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेज की क्वेश्चन, ये आपकी मानसिक तैयारी है, पहले से आप प्रिपेयर करके रखें कि की क्वेश्चन हम पहले से मन में बना के रखें, इट इज रेडीली अवेलेबल टू अस। दूसरा पी है पोज, जो आपने बना के रखा मन में उसको ग्रुप में पोज करें, इम्पोज करें। तीसरा पी है पॉज, नेक्स्ट फ्रेज कर लिया, फ्रेमिंग कर लिया, उसको इम्पोज किया ग्रुप में, थोड़ी देर वेट किया, जो पार्ट आपने नहीं किया, पॉज पार्ट आपका नहीं था, सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, पॉज करने का बाद भी अगर कोई रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा, एवरीबॉडी इज साइलेंट, देन पॉइंट, कोई एक व्यक्ति को बाय नेम पॉइंट आउट करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, शर्मा साहब आप पिछले 10 साल से फायर सर्विस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, हमें लगता है कि आप ही इसके बारे में कुछ बता सकते हैं, जस्ट उदाहरण के लिए बोलो, तो शर्मा साहब को क्या लगेगा, अरे यार मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे को इन्वाइट किया जा रहा है कहने के लिए, तो ही विल बी टेम्प्टेड टू स्पीक समथिंग। लास्ट को क्या करेंगे,
हित की, इन्होंने कुछ कहा, पॉइंट आउट करने का बाद शर्मा साहब ने कुछ अपना आइडिया दिया, अब शर्मा साहब को यहाँ क्या करें, थैंक्स देंगे कि नहीं देंगे? देंगे ना, उसको कहेंगे प्रेज, अप्रिशिएट, थैंक द कंट्रीब्यूशन, थैंक द कंट्रीब्यूटर। तो ये फाइव पी को अगर हम फॉलो करते हैं तो इट विल बी मोर सिस्टमेटिक। चलिए बहुत ही बढ़िया रहा। तो फीडबैक देने वालों को हमारा रिक्वेस्ट है कि अगर हम फीडबैक को डाइल्यूट वे में देते हैं, सिंसियरली नहीं देते, ऑनेस्टली नहीं देते, तो क्या करते हैं हम अपने साथियों की जो डेवलपमेंट है उसको इनडायरेक्टली ब्लॉक करते हैं। ये हो रहा है ना, हम यहाँ पर है किस लिए, अपनी स्किल डेवलपमेंट के लिए। ये तो प्रैक्टिस है, यहाँ हमारा सीआर कोई नोट नहीं कर रहा है, हम यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए आए हैं और प्रैक्टिस से ही परफेक्शन की ओर जाएंगे। अगर हम कुछ गलती परफॉर्मेंस में कर रहे हैं और हमारे दोस्त उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, हमें बता नहीं रहे, सब कुछ सही रहा, तीन 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 देते गए, तो मेरी कमी तो मेरे अंदर रह जाएगी फिर। तो आगे चल के उसका ध्यान रखें। और जो 14 पैरामीटर है सामने पॉइंट आउट किया, डिस्कशन लीजिए, इसमें जो 14 पैरामीटर है इसको पॉइंट बाय पॉइंट इंडिकेट करें तो अच्छा रहेगा। गेन अटेंशन और एस्टेब्लिश रिपोर्ट, जैसे ही वो सेशन शुरू किए तो पार्टिसिपेंट्स का अटेंशन किस तरह से उन्होंने ड्रा किया, कैसे करते हैं हम लोग, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू रिलैक्स्ड, आर यू रेडी फॉर डिस्कशन लीडे, आर यू प्रिपेयर्ड, इस तरह से पूछते हैं ताकि किसी का माइंड कहीं भी भटक रहा हो तो इमीडिएटली दैट कम्स इनटू फोकस। देन लिंक डिस्कशन टू प्रीवियस लर्निंग एक्सपीरियंसेस, जैसे गांव का विस्थापन आपने टॉपिक लिया, क्या आपने इसके बारे में पहले कभी स्टडी किया, आपको इसके बारे में कुछ पहले से जानकारी है, इस तरह से पूछना, मतलब उनका पास्ट एक्सपीरियंस के साथ में हम लिंकेज कर रहे हैं। इस तरह से एक एक पॉइंट को अगर पॉइंट वाइज आप बताएं ऑब्जर्वर्स, तो फिर परफॉर्मर को इसका बेटर आइडिया मिलता है। तो रियल डेवलपमेंट एरिया कौन सा है, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई, ठीक है ना सर, खराब तो नहीं लग रहा है।